मन तुलसी का दास हो और वृंदावन सो धाम, और कड़कड़ में राधा बसे रोम रोम में श्याम। तो राधे श्याम आप सभी भक्तों को, मैं सुनील माधव दास एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रजभूमि में। तो आप सभी भक्तों को जैसे पता होगा कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों तक श्री राधा कृष्ण बिहारी जी के दर्शन कराने का प्रयास करता रहता हूँ। और आज आप सभी भक्तों को बता दिया जाए कि मतलब आज यहाँ पर श्री राधा कृष्ण बिहारी मंदिर में आप जैसे भक्तों के सहयोग से एक छोटा सा प्रोग्राम रखा हुआ है भंडारे का। तो इसमें करीब 100 साधु संत हैं और पर्ची के माध्यम से पर्ची बांटी गई है। तो 100 साधु संत यहाँ पर आएंगे और प्रसाद पाएंगे श्री राधा कृष्ण बिहारी मंदिर में, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिएगा और अच्छे से दर्शन करिएगा। तो आप लोग भी मानसिक रूप से प्रसाद ग्रहण करिएगा और साधु संतों के दर्शन करिएगा। तो देखिए, अगर हमें ठाकुर जी का कृपा प्राप्त करना है ना, तो सबसे पहले हमें संतों की शरणागति और संतों का आशीर्वाद लेना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सभी भक्तों को आज संतों से आशीर्वाद भी दिलवाएंगे और श्री राधा कृष्ण बिहारी जी के दर्शन भी करवाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम अपने कृष्ण बिहारी के दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम लोगों ने आज श्री धाम बरसाना में राधा कृष्ण बिहारी मंदिर में क्या क्या प्रसाद के लिए क्या क्या खिलाएंगे, क्या प्रसाद के भी आप सभी भक्तों को दर्शन कराएंगे। तो आप लोग कमेंट में राधा राधे जरूर लिखिएगा ताकि आप सभी भक्तों को श्री धाम बरसाना से घर बैठे राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। बोलिए राधे राधे। अगर आप लोग कभी श्री राधा कृष्ण बिहारी मंदिर में आना चाहें तो आप ये देख सकते हैं, इधर से छाता आ रहा है और जब आप इधर नंदगांव की तरफ चलेंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिखेगा राधा कृष्ण बिहारी मंदिर। और उसके बाद ये जो देख रहे हैं, ये नंदगांव की तरफ जा रहा है। तो गाजीपुर से जब आएंगे तो आपको राइट साइड में ये पड़ेगा। तो अभी आपको लेकर चलते हैं, दर्शन कराते हैं श्री राधा कृष्ण बिहारी जी के ये मंदिर, और आपको अंदर पूरा दर्शन कराते हैं। और देखिए धीरे धीरे साधु संतों का आगमन हो रहा है। दो अभी बाबा आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। राधे श्याम महाराज जी। तो आइए सबसे पहले हम लोग दर्शन करते हैं अपने कृष्ण बिहारी जी के। ये हमारी किशोरी जी हैं, आपसे भक्त लोग दर्शन कर सकते हैं। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और आज का बहुत सुंदर दर्शन है, ये सब राधा रानी की कृपा से ये सब हो पाया और आप सभी भक्तों के सहयोग से ये भंडारा हो रहा है। आप लोग अच्छे से दर्शन करिए और आपके मन में जो भी कामना है, इच्छा है ठाकुर जी से मांगना हो तो आप लोग मानसिक रूप से घर बैठे बैठे मांगना। मैं तो यही कहूँगा आप लोगों को, राधा रानी खूब ढेर सारा आशीर्वाद दे, खूब सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। बस मैं तो यही मांगूंगा आप लोगों के लिए। और आप लोगों को चार अलग से मांगना तो आप हमारी किशोरी जी से मांग सकते हैं। और ये हमारे ठाकुर जी हैं, बहुत सुंदर है ये दर्शन आज के। ये दर्शन पता है सबको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता करने का, ये तो जब जिसको राधा रानी की कृपा होती है ना, वही इस दर्शन को अच्छे से कर पाता है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि श्री धाम बरसाना से आपको ऐसे दर्शन हो रहे हैं। कितने लोग तो चाहते रह जाते हैं, वो भी संभव नहीं हो पाता है। और अब आपको ले चलते हैं ना किचन में। किचन में क्या बना है राधे श्याम बाबा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये प्रभु जी आइए, थोड़ा इसको खोल के दिखाइए। लाइट और जला दीजिए वहाँ से। तो ये है महाप्रसाद राइस, और ये दाल है, और ये मटर पनीर, और ये गट्ट सब्जी बोलते हैं ब्रज की भाषा में इसको, मतलब मिक्स सब्जी। तो आज ये दर्शन है आप प्रसाद का ठाकुर जी का, जो लगेगा भोग अभी। और इधर पूड़ी की तैयारी चल रही है, ये खीर है, ये यहीं ब्रज के ही हैं। बहुत मतलब सेवा भाव है ठाकुर जी के प्रति, और ये लोग बहुत अच्छा मतलब प्रसाद बना रहे हैं। लोग ब्रजवासी हैं, इनका भी आप लोगों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये सब ठाकुर जी के सखा हैं। ये इलायची है कि घर इलायची है ना? ये खीर प्रसाद है, देखिए आप लोग मानसिक रूप से दर्शन करिए।
अभी भोग लग जाएगा तब पाइएगा। आधे रन आपसे। भक्त लोग देख सकते हैं अभी कीर्तन होने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर प्रसाद चालू करवा दिया है, तो काफ़ी आपसे भक्त लोग देख सकते हैं आज इतना आनंद आ रहा है ना, आपसे भक्तों को मैं शब्दों में बता नहीं सकता आज कितने संत लोग श्रीधाम राधा कृष्ण बिहारी मंदिर में श्रीधाम बरसाना में पधारे और इन भक्त इन संतों के माध्यम से जो भी राधा रानी ने हमें मतलब जो भी कृपा हुई राधा रानी की, ये सब इन भक्तों के आशीर्वाद से राधा रानी कृपा से हो पाया है। आपसे भक्त लोग देख सकते हैं आपसे भक्त लोग ये बहुत मतलब बहुत आप लोग सीरियसली आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, आपसे भक्तों को ऐसे संतों के ऐसे भक्तों के दर्शन हो रहे हैं इतने सहज भाव से आपसे भक्तों को। सब्जी आ रही है और इधर एक बार आपसे भक्तों को फिर से दर्शन करिए खीर प्रसाद के। आपसे भक्तों को मैं खीर प्रसाद का दर्शन नहीं करवा पाया था, तो सबसे पता है ब्रजवासियों में सबसे जो प्रिय है ना वो खीर होता है, और वैसे जो ब्रजवासियों का जो फेवरेट होता है वो मीठा होता है। तो ये सब जितने भी संत थे सब ब्रज के ही हैं, कुछ लोग बाहर के भी थे इसमें, लेकिन जो भी है बहुत मतलब भजन साधना करते हैं, बहुत अच्छे संत हैं सभी लोग, बहुत अच्छा। तो आपसे भक्त लोग भी अगर भंडारा करवाना चाहें तो आपसे भक्त लोग श्रीधाम बरसाना में करवा सकते हैं, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहां से संपर्क कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जितने भी संत हैं साधु संत हैं ये सब ठाकुर जी के हमेशा मतलब नित्य भजन करते हैं, साधना में रहते हैं हमेशा, मतलब राधा रानी की कृपा से ये हो पाया है जो भी, और आप जैसे भक्तों के सहयोग से। तो आपसे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप लोग चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरे कृष्णा।